जे आरटीसी के एम्प्लॉयज के उनका जेन्युइन डिमांड है, इलेक्शन से पहले ये नहीं बोले आप प्राइवेटाइजेशन कर तुम बोल के, अब आरटीसी के एम्प्लॉयज बोल रहे हैं गवर्नमेंट में इसको गवर्नमेंट लेना चाहिए, ये प्राइवेट रहे तो अभी तक नुकसान उठा रहे, तनख्वाह बराबर नहीं दे रहे, उनका डिमांड है, डिमांड के वास्ते केसीआर बुला रहा नहीं, बात कर रहा नहीं, सिर्फ दादागिरी कर रहा, क्या बोल के डिसमिस कर दूं, यूनियन नहीं रख सकते बोल रहा हूँ। इसी वजह से आज पुराना शहर में पहली मरतबा देख रहा हूँ आवाम में जोश, नौजवानों में जोश, खवातीन में जोश, क्यों बोले तो उनके बच्चे भी स्कूल जाना है, उन लोगों भी बस में जाना है, उनको बस की सहूलत नहीं है, उसी वजह से जो बस कंडक्टर बस ड्राइवर जान की कुर्बानी दे रहे, पहले केसीआर क्या बोला राजशेखर के जमाने में प्रागा टूल ऑल वेन आईडीपीएल प्राइवेटाइजेशन क्यों करते बोल के आवाज उठाया था, मगर तू क्यों कर रहा रे प्राइवेटाइजेशन, जब एक बात करता अब एक बात करता, ये दादागिरी नहीं है तो क्या है, और कोई डिसमिस करता जी, पहले इन्हें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, उसके बाद केंद्र में लेबर मिनिस्टर था, ये तरीका ठीक नहीं है केसीआर, अब तो भी समझो तू कोई राजा नहीं है, तू पब्लिक वोट डाले तो जीते सवाल है, तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ शाम तक डिसाइड करो, और कुछ ना कुछ दशहरा नहीं बना लिए पाप बिचारे, दिवाली नहीं बना ले रहे, उनका तनख्वाह दे दो, उनका डिमांड पूरा करो, और मैं पहली मरता गवर्नर को मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ, पहली मरता देगा गवर्नर बराबर इंटरफेस हुई, ये बस का मामला खत्म करो, आवाम को नुकसान न करो, बच्चों को स्कूल भी जाओ बोल के बोले इस गवर्नर को, हर हाईनेस आई वांट टू कंग्रेचुलेट ऑनरेबल गवर्नर। और बढ़ाने की कोशिश में है केसीआर ने, और थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि स्कूल को छुट्टी और थोड़ा बढ़ाए, नहीं भैया उन्हें उसका ये किया सो प्राइवेटाइज करना माल कमाना, कालेश्वर बोला क्या बना तुम बोल के इलेक्शन से पहले, मिशन भगीरथा बोला क्या काम से लाया रे भाई 2 लाख करोड़ कर्जा लाया वैसे लाओ इसको भी, ये बोलने का मतलब राइट। आज तेलंगाना स्टेट में आरटीसी का एक 14 दिन से पोरे सो है, तेलंगाना गवर्नमेंट बहुत जिद्दी पे बैठे सो है, आरटीसी वर्करों को सपोर्ट करना लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे सो है, सकल जनलो समय बोल के जब पहली बार करे, जब पूरा आरटीसी फैमिली आरटीसी वाले बड़े स्ट्राइक करने से तेलंगाना गवर्नमेंट आए सो है, लेकिन आज आरटीसी वालों को पूरा बाजू लगा के सीएम साहब बहुत जिद्दी पे बैठे से है, सीएम साहब आपको हम बोल रहे से कि हमारा आरटीसी का पूरा आरटीसी को पूरा गवर्नमेंट में मिलाना है, अगर आरटीसी को गवर्नमेंट में जब तक नहीं मिलाते तब तक हमारा स्ट्राइक हम रोकते नहीं है, आज प्राइवेट बसा ज्यादा किसका चल रहे बोले तो बड़े बड़े लोगों का ही वो प्राइवेट बसा है, लेकिन गरीब लोगों का किसी का नहीं है, आरटीसी लोगों को बहुत मुसीबत पे डाल के आज आप एसी में बैठे सो है, सीएम साहब जल्दी बाहर आके हमारी जो मुद्दे है वो मुद्दे हम लोग आपके सामने लगाए सो है, हमारे मुद्दे जब तक आप सब वो नहीं कर सकते हमारा स्ट्राइक हम रुकने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए सीएम साहब हम बोले कि आपको हमारा आरटीसी का मुद्दा जो जो आपके सामने लगाए सो है वो इमिडिएटली हमको अमल करना है, नहीं तो अगर जब तक हमको अगर हमारा मुद्दे अगर आप लोग अमल नहीं करे तो हम आरटीसी स्ट्राइक को रोकना नहीं चाहते है। मेरा नाम मीना है, मैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ सीआईटू का।